चलिए शादी हो गई है और सेट पे काफी धूमधाम से आपका स्वागत किया गया है, तो कैसा लग रहा है शादी के बाद एक नया पड़ाव शुरू करने में? जी बिल्कुल, आई थिंक नई शुरुआत है और जिंदगी का नया फेज है। अच्छा लग रहा है कि यार मतलब मैं प्रोडक्शन तो मेरे लिए घर ही है, सब जानते हैं, तो जब घर वाले स्वागत करें तो अच्छा लगता है, इट्स वेरी स्पेशल। अच्छा यशा, आपसे जानना चाहिए कितने चेंज आए हैं बिफोर शादी और आफ्टर शादी? घर में एक और मेंबर आ गया है, फैमिली वाले कितने ज्यादा खुश हैं उनको लेकर घर में आए हैं? डेफिनेटली यार, एडिशन है फैमिली में, सो आई थिंक खुशी होती है, प्लस आई थिंक रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे ईशा ने कहा, आई थिंक इट्स नॉट इजी कि आज के टाइम पे सिर्फ शादी करना और वो भी डेली सोप के टाइम पे, जब आपके जो मुस्कान तो ये है, ये नहीं है, और ये मुस्कान इनके आने पे मेरे आने पे आई है। चार दिन चरस नहीं थे तो मुस्कान गायब हो गई थी, यही गायब हो गए थे पूरे। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, आई थिंक सबने बहुत मेहनत की, मेरे जाने के पहले भी हमने बहुत चीज शूट किए और तभी जो है चीजें मैनेज हो पाई है। डेली सोप के दौरान आई थिंक कुछ भी, कोई इवेंट करना लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। आई थिंक जीवन एक संघर्ष, जीवन एंड एवरीबॉडी सपोर्टेड हिम बिकॉज़ ही इज अ नाइस पर्सन, ही इज अर्नड इट बेसिकली। तो सभी ने दिल से चाहा कि नहीं उसको पूरा टाइम मिलना चाहिए, जो भी जितना भी टाइम है उतना मिलना चाहिए। जी, तो आखिर अच्छा लगा कि आप लोग उसका हिस्सा बने और काफ़ी लोग आए। और हाँ, मैं सुना कि शादी के दिन थोड़ा ड्रामा हो गया था, उसमें मुझे पता लगा धक्का दुक्की काफ़ी हो गई और गर्मा गर्मी हो गई, बट कॉलेज ही अगर कुछ भी हुआ हो, बाकी मैं सुना कि सबने काफ़ी इन्जॉय किया, हालांकि मैं अंदर था, बाहर जो भी हुआ मुझे सुनने में बाद में आया, बट अच्छा लगा कि सब लोग उसका हिस्सा बने, आप लोग अपने परिवार के सबसे। अच्छा, शादी कुछ दिनों बाद ही आप काम पर लौट आए हैं, तो हनीमून के क्या प्लान्स हैं? जैसे मैंने कहा, डेली शॉप है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है लीड्स की आप दोबारा अपने काम पर आए। डेफिनेटली बहुत लोगों का जो है, बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ दो लोगों की नहीं होती है एज लीड्स। सो आई थिंक हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूँ, इट्स नॉट राइट। तो आई थिंक इतने साल हो गए, जो मैंने कुछ सीखा है कि इट्स इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अदर्स ऑल्सो। तो हाँ, मैं आया हूँ वापस, लेकिन कुछ छुट्टियाँ हैं जो उनको पता नहीं है, बट को ऐसे लूँगा कि ताकि किसी को स्ट्रेस ना हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप भी स्ट्रेस में ना हो और फोन ना आए कि ये डबिंग भेज दीजिए, ये वॉइस ओवर भेज दीजिए, ये एक कट है यहाँ पर, तो वैसा कुछ ना होना चाहिए, आराम से बिल्कुल जो एक छुट्टी ले तो आराम से। Okay, thank you so much and congratulations. Thank you so much.